हेलो फ्रेंड, वेलकम टू चैनल सॉल्यूशन। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक कैपेटस ग्लासवेयर यूज इन फार्मेसी लेबोरेटरी। पहला है मेजरिंग सिलेंडर। मेजरिंग सिलेंडर बोरोसिलिकेट या नॉन बोरोसिलिकेट का बना हुआ होता है। ये एक सिलेंड्रिकल शेप में है जिसमें वो सारे स्केल्स लगे हुए हैं। मेजरिंग सिलेंडर का यूज बेसिकली एक फिक्स क्वांटिटी में किसी भी सैंपल को लेने के लिए या उस सैंपल को किसी दूसरे में ट्रांसफर करने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो ग्लास है वह वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क वॉल्यूम कंटेनिंग फ्लास्क होता है जिसमें एक फिक्स अमाउंट में एक रिबन जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। जब कभी हम किसी लिक्विड को स्पेसिफिक या फिक्स क्वांटिटी में लेना होगा तो हम मेजरिंग सिलेंडर के साथ साथ इस वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क को यूज करेंगे। हमारा अगला इंस्ट्रूमेंट है पेसल मोटर, जो यूज होता है रॉड जैसे स्ट्रक्चर में, वो पेसल कहलाता है। और इस पर हम रस रख करके क्रश करते हैं, वो मोटर कहलाता है। पेसल मोटर का यूज बेसिकली क्रूड ड्रग को क्रश करने के लिए या किसी और सस्पेंशन लिक्विड को प्रॉपरली मिक्स करने के लिए यूज करते हैं। अगला है स्पेचुला। स्पेचुला चम्मच के जैसा होता है। स्पेचुला की सहायता से हम किसी भी सॉलिड सब्सटेंस को एनालिटिकल बैलेंस में वे करने के लिए, कम क्वांटिटी में ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। स्पैचुला बेसिकली स्टेनलेस स्टील का बना होता है ताकि इसमें कोरोजन ना लगे। अगला इंस्ट्रूमेंट बहुत कॉमन है, दैट इज बीकर। बीकर भी बोरोसिलिकेट या नॉन बोरोसिलिकेट का हो सकता है। बीकर में किसी लिक्विड को बॉइल करने के लिए, सॉल्यूशन को मिक्स करने के लिए या किसी भी प्रकार के एक्सपेरिमेंट के लिए सॉल्यूशन को कंटेन करने के लिए हम बीकर का यूज करते हैं। अगला है हमारा कोनिकल फ्लास्क। कोनिकल फ्लास्क बीकर कंटेनिंग जैसा ही इंस्ट्रूमेंट है या ग्लासवेयर है। कोनिकल फ्लास्क का शेप कोनिकल में होता है, कोन शेप में होता है, इसलिए कोनिकल फ्लास्क कहलाता है। इसका यूज हम बेसिकली टाइट्रेशन या किसी और पर्पस के लिए लिक्विड सैंपल को होल्ड करने के लिए करते हैं। अगला है हमारा वॉल्यूमेट्रिक पिपेट। वॉल्यूमेट्रिक पिपेट किसी भी लिक्विड सैंपल या लिक्विड सॉल्यूशन को वेरी प्रेशियस अमाउंट में ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। क्योंकि नाम से स्पष्ट है, वॉल्यूमेट्रिक मतलब इसमें एक मेजरिंग सिलेंडर जैसा ही यूनिट होगा, स्केल होंगे जिसमें हम लिक्विड को मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टेस्ट ट्यूब एंड टेस्ट ट्यूब होल्डर। टेस्ट ट्यूब एक बहुत कॉमन ग्लासवेयर है जो लगभग हर एक लेबोरेटरी में यूज होता है। टेस्ट ट्यूब में हम किसी सैंपल को बॉइल करने के लिए या उसकी क्वांटिटी चेक करने के लिए या उसको एनालिटिकल पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, और टेस्ट ट्यूब होल्डर उसे होल्ड करने के लिए यूज होता है। नेक्स्ट है ब्यूरेट स्टैंड विद ब्यूरेट। इसका यूज हम बेसिकली टाइट्रेशन में करते हैं। डिफरेंट तरह के टाइट्रेशन होते हैं, जैसे एसिड बेस्ड टाइट्रेशन, रेडॉक्स टाइट्रेशन एंड अदर टाइप ऑफ टाइट्रेशन। टाइट्रेशन का यूज करने के लिए हम ब्यूरेट का यूज करते हैं जिसमें स्केल लगे हुए होते हैं। नेक्स्ट है सेपरेटिंग फनल। नाम से ही स्पष्ट है, सेपरेटिंग फनल का यूज हम किसी भी दो मिसिबल लिक्विड इमिसिबल लिक्विड को अलग अलग फेज के कारण से उनको अलग यानी कि सेपरेट करने के लिए यूज करते हैं। इसमें एक नॉब होता है जिसको ओपन करने के साथ नीचे का लिक्विड फ्लो होना स्टार्ट होता है। अगला है आयोडीन फ्लास्क। आयोडीन फ्लास्क बेसिकली आयोडीन की क्वांटिटी को डिटरमाइन करने के लिए किया जाता है। ये एनालिटिकल केमिस्ट्री या एनालिटिकल फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में यूज करते हैं। इसमें एक कवर होता है जिस कॉल्ड एनालिटिकल इंसुलिन कवर। नेक्स्ट है हमारा राउंड बॉटम फ्लास्क। राउंड बॉटम फ्लास्क बेसिकली डिस्टिलेशन पर्पस के लिए, सिंपल डिस्टिलेशन प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए, या तो फिर किसी भी लिक्विड सैंपल को आइसोलेट करने के लिए, या फिर किसी क्रूड ड्रग का सॉलिड एपरेटस में एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है रिएजेंट बॉटल। रिएजेंट बॉटल एक ऐसा ग्लासवेयर है जो पूरी तरह से इनर्ट होता है और इसमें हम किसी भी रिएजेंट को रखते हैं। बहुत सारे रिएजेंट किसी भी एक्सपेरिमेंट में काम आते हैं, जैसे हैगस रिएजेंट, मोलर्स रिएजेंट, बेनेडिक्ट रिएजेंट एंड ऑल। अगला पार्ट है हमारा मीडिया बॉटल। मीडिया बॉटल में हम मीडिया रखते हैं। मीडिया एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसी माइक्रोबायोलॉजी लैब में पाया जाता है। मीडिया का यूज हम माइक्रोऑर्गेनिज्म के प्रॉपर ग्रोथ और उनको फैसिलिटेट करने के लिए यूज करते हैं। सो मीडिया बॉटल शुड बी 100% स्टरलाइज बिफोर यूज। अगला है हमारा सक्शन फ्लास्क। सक्शन फ्लास्क किसी भी कंटेनिंग सब्सटेंस को फिल्टर करने के लिए यूज हो जाता है। जनरली अगर वो सब्सटेंस बहुत विस्कस है या उसमें बहुत सारे पोर्स हैं तो वो फिल्ट्रेशन के लिए इजी नहीं होता, तो उसके प्रोसेस को इंक्रीज करने के लिए हम वैक्यूम फिल्टर में यूज करेंगे, जिसके लिए हम सक्शन फ्लास्क यूज करते हैं। अगला है अपना बकनर फनल। बकनर फनल को सक्शन फनल या सक्शन फ्लास्क से ऐड करते हैं और इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम एक वैक्यूम फिल्ट्रेशन असेंबली के रूप में कन्वर्ट करते हैं। ये किसी भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस को बहुत सारा स्पीड प्रोवाइड कराता है, जिससे फिल्ट्रेशन जल्दी हो सकते हैं। नेक्स्ट हमारा वॉश बॉटल। वॉश बॉटल का मल्टीपल पर्पस यूज हो सकता है। ये हर एक लेबोरेटरी में जनरली यूज होते हैं। अगर आपको स्मॉल वॉल्यूम में किसी डिस्टिल वाटर या किसी सैंपल को ट्रांसफर करना है तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं, और किसी ऑपरेटर्स को साफ करना है, क्लीन करना है, तो इसके लिए भी आप इसे यूज कर सकते हैं। अगला है हमारा वायर गॉज। वायर गॉज का यूज बेसिकली किसी भी टेस्ट ट्यूब, बीकर, कोनिकल फ्लास्क को हीट करने से पहले उसे बेस प्रोवाइड कराने के लिए यूज होता है, ताकि जो फ्लेम है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो सके और डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में ना आए उस ग्लास वेयर के, तो इसलिए हम इसे क्लॉथ वायर को यूज करते हैं। अगला है हमारा क्रूसिबल। क्रूसिबल बहुत स्ट्रॉन्ग मटेरियल से बना हुआ होता है, जो बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट को भी एडजस्ट कर सकता है, हीट को भी विदड्रॉ कर सकता है, विस्टैंड कर सकता है। क्रूसिबल का यूज हम जनरली ऐश वैल्यू निकालने के लिए फार्माकोग्नोसी एक्सपेरिमेंट में यूज करते हैं।
नेक्स्ट पार्ट है हमारा कंडेंसर। कंडेंसर किसी भी डिस्टिलेशन यूनिट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब हम किसी लिक्विड को डिस्टिलेशन करते हैं तो लिक्विड जब वेपर में बदलता है तो उस वेपर को वापस से लिक्विड में ठंडा करने के लिए हम कंडेंसर का यूज करते हैं। कंडेंसर ग्लासवाइज का बना हुआ होता है जिसके अलग अलग टाइप भी हो सकते हैं। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो हमारे पास वो है सेंट्रीफ्यूज। सेंट्रीफ्यूज आरपीएम पे बेस पे काम करता है। अगर हम सेंट्रीफ्यूज में किसी भी लिक्विड को अगर ब्लड या किसी और लिक्विड को यूज करते हैं तो वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की तरह से डिफरेंट डिफरेंट वेट के मॉलिक्यूलर पार्टिकल को अलग कर देता है। हैवी वेट नीचे और लाइट वेट ऊपर रह जाते हैं। अगला हमारा पार्ट है पेटिडिस या वॉच ग्लास। पेटिडिस एंड वॉच ग्लास दोनों बेसिकली यूज होते हैं। पेटिडिस का यूज हम मीडिया प्रिपरेशन के लिए भी कर सकते हैं, साथ ही साथ वॉच ग्लास का यूज हम सेक्शन कटिंग में रखे जाने के लिए सेक्शन को यानी कि लीफ के सेक्शन को रखने के लिए कर सकते हैं, साथ ही हम रीजन बनाने के लिए भी इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज रेजिन स्प्रे बॉटल। रिएजेंट स्प्रे बॉटल मतलब होता है किसी रिएजेंट को एक पर्टिकुलरली स्पीड के साथ किसी भी सैंपल पे स्प्रे करने के लिए यूज होता है। रिएजेंट बॉटल का बेसिकली यूज क्रोमेटोग्राफिक में प्लेट को डेवलप करने के बाद कलर को विजुलाइजेशन करने के लिए हम यूज करते हैं। हमारा अगला पार्ट बहुत कॉमन है, दैट इज फनल। फनल का यूज किसी भी लिक्विड को एक जगह से दूसरे जगह पे बिना किसी डिस्टर्बेंस या बिना किसी स्पॉयलेज या स्पिलेज के ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। कोनिकल फ्लास्क हमें एक मीडियम प्रोवाइड कराता है ताकि हम इजिली उस लिक्विड को दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकें। साथ ही साथ ये फिल्टर पेपर को रखकर किसी भी लिक्विड को फिल्ट्रेशन करने के लिए भी यूज कराता है। हमारा नेक्स्ट पार्ट है इनोकुलेटिंग लूप। इनोकुलेटिंग लूप माइक्रोबायोलॉजी लैब में यूज होने वाला बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन इंस्ट्रूमेंट है। इस इनोकुलेटिंग लूप की सहायता से हम किसी भी पेट्री डिश से ग्रुप ऑफ कॉलोनी से पर्टिकुलर एक कॉलोनी को आइसोलेट करके प्योर कल्चर को ट्रांसफर करने या बनाने के लिए यूज करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।